हाउ आर यू ऑल फाइन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सो टुडे हम चैप्टर नंबर 1 को सॉर्ट आउट करेंगे, क्लास 9 केमिस्ट्री। आई गोना टॉक अबाउट पायस लाहौर, राइट? वी आर ऑन पेज नंबर 24 ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये कुछ निशान लगे हुए हैं। इसको मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये आपके जो एमसीक्यूज हैं वो दुरुस्त हैं कि नहीं हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स, यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो कौन से कंपाउंड्स को डील करती है? इन द लेबोरेटरी, यानी आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो लेबोरेटरी में बनाते हैं। रॉन्ग आंसर। ऑन माइक्रो स्केल, यानी कि छोटे पैमाने पर आप कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो डेफिनेटली जब इंडस्ट्रियल डील होती है तो छोटे पैमाने पर कोई कंपाउंड नहीं बनाए जाते हैं। ऑन कमर्शियल स्केल, यानी आप कमर्शियल स्केल पे कोई कंपाउंड बनाते हैं, या ऑन इकोनॉमिक स्केल, इकोनॉमिकली भी नहीं आप देखते, जस्ट सी ऑन कमर्शियल स्केल। सो कमर्शियल स्केल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड न्यूमेरिकल, सेकेंड एमसीक्यू, राइट? वी आर ऑन चैप्टर नंबर 1, ठीक है? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एमसीक्यू। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मीन्स? डेफिनेटली एलिमेंट तो एक फिक्स चीज है, कंपाउंड अगर बन जाता है तो फिजिकल तरीके से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। रेडिकल एक यू नो चार्ज स्पीशी होती है, सो डेफिनेटली मिक्सचर इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? ए ऑप्शन। लेट्स मूव टूवर्ड द थर्ड। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज, यानी ओशन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? सो लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट। यहां पर देखें आप टेबल नंबर पेज नंबर 5, राइट? एंड ओशन में आपको सबसे ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन मिल रहा है, राइट? सो आई थिंक सो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू, राइट? लेट्स मूव अहेड। लेट्स टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, राइट? वी आर गोइंग टू गो ऑन द सेम पेज अगेन। वी आर ऑन पेज नंबर 5, एंड अर्थ क्रस्ट में अगर हम देखें तो आई थिंक सो ऑक्सीजन इज द फर्स्ट वन, एंड सिलिकॉन इज द सेकेंड वन, एंड एल्यूमिनियम इज द थर्ड वन। सो आई थिंक सो इट्स समथिंग लाइक ऑक्सीजन, विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस प्लैनेट, यानी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। Let's move towards the 5th MCQ. The third abundant, right? The third abundant gas found in the atmosphere. Third abundant gas, same table I think. Let's just talk about this. Nitrogen is the most abundant gas. यानी हवा में आपको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिलेगी, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन है, और थर्ड नंबर पे आपको जो मिलेगी दैट इज आर्गन गैस। सो आर्गन गैस इज द राइट आंसर फॉर दिस। सो थर्ड नंबर आर्गन यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, सो दैट्स द ऑप्शन। So that is something like I think that is 0.9%, and nitrogen is 78, right? Nitrogen is 78%, and oxygen is 21%. Carbon dioxide is 0.034%, right? So I think that will be helpful for your examination. Okay, let's talk about 1 AMU atomic mass unit is equal to 1 AMU. किसके बराबर होता है? Let me tell you one thing. ये दिया गया है इसका जवाब on page number. पेज नंबर 11, राइट? ऑन पेज नंबर 11, एंड हियर इज द आंसर। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 × 10⁻⁴ ग्राम्स। सो आई थिंक सो 1.66 × 10⁻², राइट? हियर वी हैव, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट? सो दैट्स द आंसर। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल नंबर 25, सॉरी पेज नंबर 25 और न्यूमेरिकल नंबर 7, द एमसीक्यू नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राई एटॉमिक? आई थिंक सो तीन, ये होमो एटॉमिक की कैटेगरी में आ जाएगा। ये भी तीन है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ये भी हेट्रो एटॉमिक की कैटेगरी में आ जाएगा। तीन आइटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन है। सो आई थिंक सो हाइड्रोजन इज द आंसर, क्योंकि ये दो आइटम से बना है, द बोथ आर हाइड्रोजन आइटम्स, राइट? ओके, लेट्स मूव टूवर्ड द 8th। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, अब एक मॉलिक्यूल का आपने मास बताना, राइट? तो डेफिनेटली एक मॉलिक्यूल का मास जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक 18 AMU, राइट? नॉट 18 ग्राम जो है दैट इज द मास ऑफ वन मोल। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू यूजली गलत कर देते हैं, सो कन्फिगर करें इसको, ठीक है? ये AMU में आंसर होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का उन्होंने पूछा है, एक मॉलिक्यूल का जो है आंसर AMU में होगा,
एक मोल का आंसर 18 ग्राम में होगा, ठीक है. सो दैट्स नॉट द आंसर, दैट्स द आंसर. एंड इज इट 18 मिलीग्राम, दैट्स नॉट मेक द सेंस, और किलोग्राम तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9, द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट. मोलर मास निकालने का तरीका आपको बेटा यहाँ बताया गया है ऑन पेज नंबर, आई थिंक दैट इज पेज नंबर 13, राइट. दैट्स पेज नंबर 13, एंड हियर वी हैव द मोलर मास कैलकुलेशंस, राइट. सो यू कैन जस्ट थिंक इट लाइक दैट. और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाला गया है नाइट्रिक एसिड का, जो कि निकला है समथिंग लाइक 63 AMU. और इस तरह से आप निकाल सकते हैं कैल्शियम पोटाशियम सल्फेट का, वो निकला है समथिंग लाइक 174 AMU. और इस तरह ये टेस्ट टू सेल्फ दी है, इसमें बहुत से कंपाउंड जिनका आपने मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास निकालना है. ये फार्मूला मास निकाला गया है, इसी जो मैंने आपको दिखाया था दैट वॉज मॉलिक्यूलर मास. यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है वो ये है कि द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास क्या है. लेट मी टेल यू, 98 जो है वो मोलर मास होता है. तो मोलर मास में आप बेटा 98 ग्राम को टिक लगाएंगे, 98 AMU का नहीं. दे आर नॉट आस्किंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दे आर आस्किंग मोलर मास. तो 98 को आप टिक लगा देंगे, ठीक है. सो 9.8 ग्राम सेंस नहीं बना रहा, और 9.8 AMU इज नॉट द राइट आंसर. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यू नंबर 10, राइट. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, what I'm talking, which one of the following is molecular mass of oxygen in AMU, right? AMU में molecular mass जो है वो क्या होगा. I think so कि एक oxygen जो है वो 16 AMU के equal होता है, और oxygen आ जाएगा वो भी 16 AMU के equal होगा, ठीक है. तो इन दोनों को अगर आप add कर देंगे it becomes 32 AMU, ठीक है. तो I think so that's the answer for this question. And what he's asking, how many number of moles are equivalent to 8 grams of carbon dioxide? अब देखें 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका आंसर ये होगा कि आपको वो नॉन मास दे रहा है. फॉर्मूला होता है इसको निकालने के लिए, व्हाट द फॉर्मूला इज, दैट्स द फॉर्मूला. व्हाट इज गिविंग यू, ही इज गिविंग यू द मास यू नो, राइट. इज गिविंग यू द मास, ही इज गिविंग यू 8 ग्राम ऑफ इट. और मोलर मास जो है कौन सा कंपाउंड दे रहा है आपको, यहाँ पे ही इज गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है दैट इज 44 ग्राम, राइट. दैट इज 44 ग्राम. सो 44 ग्राम आप इसको डिवाइड कर देंगे, और 44 ग्राम को अगर आप डिवाइड करेंगे इसके साथ 8 के साथ, तो वट यू विल गेट, आई थिंक सो यू विल गेट समथिंग लाइक 10.18. आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं. सो दैट कुड बी द आंसर, राइट. मोल्स कितने होंगे, 8 ग्राम जब भी आपने लेना है, नॉन मास को डिवाइड करना है मोलर मास से, तो आप दोनों को डिवाइड कर लेंगे, जो रेशो होगा उसका दैट विल बी द आंसर. Now I asking in which of the following pairs the same number of ions are there. Same number of ions, 1 mole of sodium chloride and 1 mole of magnesium chloride. So इसमें it can produce 2 ions, it can produce 3 ions. So definitely 1 mole equal, even though ये formula units तो equal है, लेकिन इनके ions equal नहीं होगी, क्योंकि ये 2 ions बना सकता है और ये 3 ions बना सकता है एक unit. तो लिहाजा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके ions equal नहीं होंगे. सो हाफ मोल ऑफ NaCl एंड हाफ मोल ऑफ, सेम केस यहाँ पर 1 mole लिया जा रहा था इक्वल नहीं, तो हाफ ऑफ भी दोनों इक्वल लिए जाएंगे, लेकिन आयंस प्रोडक्शन जो है वो कुछ यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए ये कंपेरेबल नहीं रहेंगे. हाफ मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 mole ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट कुड बी द आंसर. इसको सेंसिबिलिटी से देखना पड़ेगा. हाफ मोल लेंगे अगर आप NaCl के, तो इट इज प्रोड्यूसिंग यू, आपने मल्टीप्लाई करना होगा 3.01 × 10^23 से 2 को, और आप मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, इस वैल्यू को, और 1/3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, राइट. 1/3 से यानी मोल का 1/3 लेंगे, राइट, मोल का इसका 1/3 ले लें, 6.02 × 10^23, ठीक है. इसका आप जो है ऐसा करें, इसको 3 से डिवाइड कर दें, और जो इसका आंसर होगा उसको फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और देखेंगे अगर आंसर आपका सेम आता है तो देन दैट कुड बी द आंसर. इसी तरह इसमें करके देखें इफ यू फाइंड इट. बट आई एम थिंकिंग के सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट. उसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट में 13th है एमसीक्यू. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम मास, इनमें से किस में सेम मास होगा. 1 mole ऑफ कार्बन मोनो एंड 1 mole ऑफ नाइट्रोजन. कार्बन मोनो कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है. 12 और 16 को जमा कर दें तो क्या बन जाएगा, 16 में 10 डाल दें 26, 26 में 2 डाल दें 28, और ये 28, राइट. तो 1 mole ये 28 ग्राम्स ईच बन रहा है, आई थिंक सो दैट कुड बी द आंसर, ठीक है. मेरे ख्याल से आगे से भी देख लें, 1 mole ऑफ कार्बन मोनो डाइऑक्साइड ये 44 ग्राम होगा, ये आई टोल्ड यू 28 ग्राम्स है, सो दैट कुड नॉट बी द सेम. ऑक्सीजन 32, नाइट्रोजन 28, ये भी सेम नहीं है. ऑक्सीजन 32, कार्बन डाइऑक्साइड 44, ये भी सेम नहीं. सो फर्स्ट इज द
राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू, राइट। आई होप आपके एमसीक्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गए होंगे मेरी इस वीडियो से, एंड आई रियली विश के आपको ये एमसीक्यू सारे जो हैं बोर्ड एग्जाम में भी एक्यूरेटली अगर आप इस तरह के आ जाते हैं तो आप मार्किंग करके आएंगे तो आपको कोई नंबर डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन हिट अ लाइक टू इट, एंड इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर ऑनलाइन लर्निंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी, राइट। Thank you so much for this time, and we'll meet you to sort out these short questions in my next video. Thank you so much.